डिवीजन एंड इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व फॉर एक्स. हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब ये बार ख़त्म करेंगे तो एक बार इस वैल्यू को प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में सॉल्व करेंगे. तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल प्लस माइनस 4. ये आ गया 3x, एक बार इसको प्लस में करेंगे इज इक्वल प्लस 4. 3x माइनस 5 इज इक्वल माइनस 4. एक्स वाली वैल्यूज एक साइड पे चली जाएंगी और जो सिंपल वैल्यू है वो एक साइड पे चली जाएंगी. 3x इज इक्वल, ये 4 प्लस का, ये 5 इधर माइनस का, उस साइड पे जब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. 3x इज इक्वल, 5 में 4 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा. अब ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9 ओवर 3 आ जाएगा. 3 वन का 3, 3 3 जा 9, एक्स इज इक्वल 3. इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होगा. 3x वाली वैल्यूज एक साइड पर, ये माइनस 4, ये 5 इधर माइनस का, तो जाके प्लस का 5 हो जाएगा. माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1, प्लस का 1 आएगा क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस का साइन है. इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, एक्स ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो आ जाएगा 3x इज इक्वल 1 ओवर 3. अब हमारे पास दो आ गए आंसर x के, एक तो आया 3 और एक आया 1 ओवर 3. क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट, ये भी इसी तरह से सॉल्व होगा. ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल प्लस माइनस 11. 2x प्लस 5 इज इक्वल प्लस का 11, 2x प्लस 5 इज इक्वल माइनस 11. x वाली वैल्यूज एक साइड पर, सिंपल वाली वैल्यूज एक साइड पे. 11 ये माइनस हो जाएगा 5 उस साइड पे आ गए. 2x इज इक्वल 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, ये इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो जाएगा. 6 ओवर 2, 2 वन जो 2, 2 3 जो 6, एक्स इज इक्वल 3. अब इसी तरह ये भी x वाली वैल्यू से एक साइड पे, सिंपल वाली एक साइड पे, माइनस 11, ये तो जाके माइनस का 5 हो जाएगा. 2x इज इक्वल 11 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 16, और साथ माइनस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है. इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल माइनस 16 ओवर 2, 2 वन जो 2, 2 एट जो 16, एक्स इज इक्वल माइनस 8. एक हमारे पास सोल्यूशन सेट आया. अब इसका सोल्यूशन सेट, एक हमारे पास 3 आया और एक आया माइनस 8, ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट, x प्लस 5 ओवर 2 माइनस x इज इक्वल 6. इसको भी वैसे इसकी ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे. x प्लस 5, 2 माइनस x इज इक्वल 6. x प्लस 5, 2 माइनस x इज इक्वल माइनस 6. ये आ जाएगा. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 6 2 माइनस x इज इक्वल x प्लस 5. 6 2 जो 12, 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा इज इक्वल x प्लस 5. अब ये 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, और 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा. 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 7, और जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे 1 होता है. 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7x आ जाएगा. अब ये मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल 7 ओवर 7, 7 1 था 7, x इज इक्वल 1 इसका आंसर है. अब इस माइनस 6 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 2 माइनस x इज इक्वल x प्लस 5. ये हो जाएगा 6 2 जो 12, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6x, ये x प्लस 5. प्लस एक्स वाली वैल्यू एक साइड पे चली जाएंगी और दूसरी वाली वैल्यू से एक साइड पे चली जाएंगी. ये माइनस 12 है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 6 उधर जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस, 12 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 16, और ये आएगा माइनस 5. ये उधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 5 ओवर माइनस 16, 5 ओवर 16 इसका आंसर है.